Hey guys, welcome back to the channel. और फाइनली हमारे जो चैनल है उसके ऊपर एक बुलेट 350 है वो आ चुकी है और इसकी जो बेसिक जो पीरियोडिक सर्विस होती है वो हम करने वाले हैं आज. तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और सीधा जो प्रोसेस है उसकी तरफ चलते हैं और मैं आप लोगों को शो करता हूँ कि जो स्टेप बाय स्टेप सर्विसिंग की जो प्रोसेस है वो कैसी है. तो सबसे पहले तो बाइक को जैसा कि आप देख सकते हैं हमने वॉश कर लिया है अच्छे से. वॉशिंग की वैसे चैनल पे वीडियो नहीं है तो थोड़ा और वेट करो और अच्छी डिटेल में आएगी. अब उसके बाद सेकेंड जो चीज़ है वो आपको बाइक को स्टार्ट करना है और इसको 5 या 10 मिनट के लिए वार्म अप करना है एंड उसके बाद इसको मेन स्टैंड पर आप लगा दें और बाइक का जो इग्निशन है वो ऑफ कर दें और 5 या 10 मिनट आप कर लें. उसके बाद जो ऑयल ड्रेन की प्रोसेस है सबसे पहले वो करेंगे. तो अभी सीधा जो ऑयल ड्रेन करना है उसी की तरफ मूव ऑन करते हैं. तो बेसिकली ऑयल ड्रेन करने से पहले बिकॉज यू नो जो मेजरमेंट जार होता है वो बहुत मुश्किल से मिलता है तो आप जो ऑयल विंडो है उसी के अंदर देख लें कि जो इंजन ऑयल का लेवल है वो कितना है. इससे आपको बेसिकली ये आइडिया लग जाएगा कि आपकी बाइक है वो ऑयल बर्न कर रही है या जो प्रॉपर ऑयल की क्वांटिटी है उसके अंदर वो है. तो अगर ऑयल का लेवल प्रॉपर है दैट मींस कि आपकी जो बाइक का इंजन है वो एकदम हेल्दी कंडीशन में है. तो ऑयल ड्रेन करने के लिए आपको बेसिकली 3 अलग अलग जगह से जो बोल्ट्स हैं उनको ओपन करना पड़ता है बिकॉज इसमें 2 मैग्नेटिक बोल्ट्स लगा रखे हैं और एक स्ट्रेनर के लिए है. तो बेसिकली जो इंजन है उसमें क्रैंक केस में जो बॉटम वाला पोर्शन है उसमें एक ये 12 mm का बोल्ट खोलना है, एक ये 19 mm का बोल्ट ओपन करना है और उसके साथ ही साथ जो स्ट्रेनर है वो यहाँ पर है जो कि आपको ये 2 8 mm के बोल्ट्स दिख रहे हैं ये वाले. तो इनको हम स्टेप बाय स्टेप एक बार निकाल लेते हैं और साथ ही साथ आप अपना जो पैन है जिसके अंदर आप जो ऑयल ड्रेन होगा वो कलेक्ट करने वाले हैं उसको भी रेडी रखें. उसको उसके नीचे स्लाइड कर दें और उसके बाद जो बोल्ट्स हैं उनको 1 by 1 ओपन कर लें. तो सबसे पहले तो जो 19 mm वाला है उसी को हम लूज़ कर लेते हैं. इसको पूरा ओपन नहीं करेंगे एक बार और जैसे ये लूज़ हो जाए उसके बाद बाकी के जो बोल्ट्स हैं उनको भी इसी तरीके से पहले लूज़ करना है. सबसे पहले जो 19 mm वाला है उसको ओपन कर लेंगे. फिर जो 12 mm वाला बोल्ट है उसको ओपन कर लेते हैं और उसके बाद लास्ट में जो स्ट्रेनर वाला बोल्ट है 2 8 mm के जो बोल्ट्स हैं उनको भी निकाल लेंगे. और वैसे भी जो मोस्ट ऑफ द ऑयल है वो ड्रेन हो चुका है लेकिन फिर भी जो फिल कैप है उसको ओपन कर देते हैं ताकि थोड़ा जो वैक्यूम है वो ना बने और कुछ ऑयल अगर और ड्रेन हो सकता है तो वो भी हो जाए. और इसमें पहले 3 बॉन्ड लगाया है ताकि ऑयल है वो लीकेज ना हो. तो एक बार इसको कुछ इस तरीके से ड्रॉप करके लगा देते हैं हल्का सा ताकि कोई डस्ट वगैरह वो इंटर ना करे. और अभी जो ऑयल फिल्टर है उसको ओपन करेंगे. तो सबसे पहले जो 3 8 mm के बोल्ट्स हैं इनको ओपन कर लेते हैं और ये अभी बाहर की साइड पुश हो रहा है बिकॉज इसके अंदर एक स्प्रिंग आती है. तो जो लास्ट वाला बोल्ट है उसको ओपन करने से पहले इसको होल्ड करके रखना पड़ता है एंड उसके बाद जो ये कैप है ये निकल जाएगी. इसमें जो चीज़ गौर करने वाली वो यही है कि एक ओरिंग तो यहाँ पर लगती है जो कैप है उसके ऊपर, सेकेंड जो ओरिंग है वो यहाँ पर लगती है. उसके बाद जो ऑयल फिल्टर है उसको निकालना है और उसके बाद आपको एक ओरिंग और निकालनी है ये वाली. तो अभी बेसिकली एक क्लीन क्लोथ लेना है और उसकी हेल्प से जो एक्सेसिव ऑयल है उसको क्लीन करना है. तो अब बारी आती है जो नया ऑयल फिल्टर है उसको इंस्टॉल करने की. तो बेसिकली ये ऑयल फिल्टर है, इसके पार्ट नंबर और इसकी प्राइस है वो आप देख सकते हैं. इसमें साथ में 2 ओरिंग्स भी आती हैं जो कि अनफॉर्चुनेटली हमें नहीं मिली. तो रॉयल इनफील्ड वालों को ये चीज़ देखनी चाहिए कि स्पेयर पार्ट के पैसे पूरे ले रहे हैं तो एटलीस्ट स्पेयर पार्ट भी पूरा ही दें. एनीवेज पुराने वाली ओरिंग्स हैं वो भी सही कंडीशन में है तो एक बार के लिए तो काम चल जाएगा. अभी जो ऑयल फिल्टर है इसकी मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि ये बाई डायरेक्शनल है, मतलब आप इसको इस तरीके से या इस तरीके से दोनों साइड से लगा सकते हैं जितना मैं अभी तक इसको देख करके समझा हूँ. लेकिन फिर भी इसमें इस साइड कुछ प्रिंटिंग्स वगैरह लिखी हुई हैं और जो ऑयल फिल्टर हमने निकाला था उसमें भी जो ये प्रिंट वाली साइड है ये अंदर की साइड थी. तो मैं भी सेम एज इट इज़ इसको लगाने वाला हूँ लेकिन उससे पहले इसकी जो अंदर वाली ओरिंग है उसको हम प्लेस कर देते हैं. तो ये वो ओरिंग है, सबसे पहले इसको प्लेस करेंगे और मेक श्योर आप इसको एकदम अलाइन करके लगाएं बिकॉज अगर आप इसको डायरेक्ट कुछ इस तरीके से रख देंगे तो उसके बाद ये नीचे की साइड आ जाएगी और फिर आप फिल्टर लगाएंगे तो वो जो सील है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगी. तो इसको आप ऑल द वे अंदर की साइड पुश कर दें
और उसके बाद जो ऑयल फिल्टर है उसको इंस्टॉल करें। उसके बाद जो फिल्टर की जो कैप है उसको अच्छी तरीके से आपको क्लीन करना है, कपड़े की हेल्प से ही कर सकते हैं और आप चाहें तो पेट्रोल से भी क्लीन कर सकते हैं, लेकिन उसको थोड़ा सुखा लेना। फिर उसके बाद जो पहली ओरिंग है उसको यहाँ पर प्लेस करना है और जो सेकंड ओरिंग है उसको थोड़ा सा ऑयल से डिप करना पड़ेगा। तो अभी मैं जो ओल्ड ऑयल है वही यूज़ कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा लुब्रिकेट करना है और उसके बाद इसको जो इसकी प्लेस है उसके ऊपर फिर से इंस्टॉल कर देना है और फिर उसके बाद इसको कुछ इस तरीके से होल्ड करके आप इसकी जो प्लेस है वहाँ पर इसको माउंट कर दीजिए और फिर इसको थोड़ा सा पुश करके इसके जो बोल्ट्स हैं उनको वन बाय वन इंस्टॉल करना है और फिर इनको स्टेप बाय स्टेप जो क्रिस क्रॉस पैटर्न है उसके अंदर टाइट करना है। और पूरा टाइट करने से पहले एक बार आप फिर से क्रॉस चेक कर लें कि जो ओरिंग हमने लगाई थी थोड़ी देर पहले वो प्रॉपरली सीटेड हो, बिकॉज अगर वो दोनों सरफेसेस से थोड़ा बाहर निकली हुई होगी तो फिर वो ओरिंग डैमेज हो जाएगी। और जब ये तीनों बोल्ट हैंड टाइट हो जाएं तो फिर इनको हल्के हाथ से सॉकेट की हेल्प से टाइट कर देंगे। इनके ऊपर ज़्यादा फोर्स अप्लाई नहीं करना है, अदरवाइज जो थ्रेड्स हैं उनको आप डैमेज कर देंगे। राइट, तो अभी जितने भी ड्रेन बोल्ट्स वगैरह हैं और जो स्ट्रेनर है उनको क्लीन करने की बारी है। तो सबसे पहले ये जो ओरिंग है इसको हम पेट्रोल से क्लीन नहीं करेंगे बिकॉज ये डैमेज हो जाती है, तो इसको आप सिंपली एक किसी भी क्लॉथ की हेल्प से क्लीन कर सकते हैं। और जब इसको इंस्टॉल करेंगे तो मेक श्योर कि थोड़ा सा पुराना ऑयल है वो इसके ऊपर डिप करना ना भूलें, अदरवाइज इसमें क्रैक्स वगैरह आने लगते हैं और फिर ऑयल लीकेज की प्रॉब्लम है वो शुरू हो जाती है। और उसके बाद बाकी के जितने भी पार्ट्स हैं उनको हम पेट्रोल से वॉश कर सकते हैं। इनके अंदर ये कॉपर वॉशर्स हैं, तो अगर ये ज़्यादा डैमेज हो गए हैं तो आप इनको रिप्लेस कर सकते हैं। वैसे हर सर्विस पर रिप्लेस कर देने चाहिए पर अभी हमारे पास अवेलेबल है नहीं, तो हम यही वाले काम में लेने वाले हैं। और जो स्ट्रेनर की जो कैप है और जो 19 मिलीमीटर वाला ड्रेन बोल्ट है ये दोनों मैग्नेटिक हैं, तो बेसिकली इंजन के अंदर फ्रिक्शन की वजह से जितना भी मटेरियल है वो लॉस होता है वो यहाँ पर आकर के चिपक जाता है, तो जो ऑयल है उसके अंदर जो कंटेमिनेशन से वो कम रहते हैं जो कि एक अच्छी चीज़ है। तो इनको अच्छे से क्लीन करना आप ना भूलें। इनके अंदर जो ये कंटेमिनेशन आपको दिख रहा है ये इंजन के इंटरनल पार्ट्स हैं, उनका वेयर एंड टेयर की वजह से जो मटेरियल लॉस हुआ है ये वही है। तो अगर यहाँ पर आपको कोई बड़ा पार्ट लगा हुआ दिखता है दैट मीन्स कि इंजन के अंदर कुछ मेजर प्रॉब्लम हो सकती है। तो बेसिकली अभी जो नीचे का पोर्शन है जहाँ पर जो बोल्ट्स वगैरह लगेंगे उसको क्लीन कर रहा हूँ। यहाँ पर वैसे आप ज़्यादा क्लीनिंग नहीं कर सकते पर एटलीस्ट इतनी तो करें कि जिस सरफेस पे जो बोल्ट लगेगा वो तो क्लीन हो। उसके बाद सबसे पहले जो 19 मिलीमीटर का बोल्ट है उसको उसका जो क्रश वॉशर है उसके साथ इंस्टॉल करते हैं और सेम क्रश वॉशर के साथ जो 12 मिलीमीटर का बोल्ट है उसको इंस्टॉल करना है और उसके बाद जो स्ट्रेनर है उसको लगाना है। तो सबसे पहले इसकी जो ओरिंग है उसको जो पुराना इंजन ऑयल है उसके अंदर थोड़ा सा डिप कर लें, उसके बाद इसका जो स्लॉट है उसके अंदर इसको इंस्टॉल करें, फिर जो स्ट्रेनर है उसको इसके ऊपर प्लेस करना है एंड उसके बाद इसको इसका जो स्लॉट है उसके अंदर इंस्टॉल कर देना है और फिर इसके जो दो 8 मिलीमीटर के बोल्ट्स हैं उनको टाइट करना है और फिर जो 8 मिलीमीटर वाले बोल्ट्स हैं उनको क्वार्टर इंच का सॉकेट सेट है उसकी हेल्प से हल्के हाथ से टाइट करना है और उसके बाद हाफ इंच का जो सॉकेट सेट है उसकी हेल्प से जो 12 मिलीमीटर का बोल्ट है उसको टाइट करना है। इसको भी ज़्यादा टाइट नहीं करना है अदरवाइज़ इसके जो थ्रेड्स हैं वो भी स्ट्रिप होने के चांसेस रहते हैं और लास्ट में जो 19 मिलीमीटर का बोल्ट है उसको टाइट कर देते हैं। तो अब फाइनली जो ऑयल है उसको फिल करने का टाइम आ गया है, तो सबसे पहले जो ऑयल फिल बोल्ट है उसको निकालते हैं और फनल है उसको इसका जो फिल होल है उसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं। और ऑयल मैं यूज़ कर रहा हूँ कैस्ट्रोल पावर 1550। तो काफ़ी लोगों का जो यूज़र एक्सपीरियंस है इस ऑयल का वो काफ़ी अच्छा रहा है, उनमें से कुछ को मैं जानता भी हूँ, तो इसलिए मैं इस बाइक में भी यही वाला ऑयल है ये यूज़ कर रहा हूँ और इसका जो एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों को फ्यूचर में बता दूंगा। जो इस बाइक का जो राइडर है वो मेरा क्लोज फ्रेंड ही है, तो उसका इस ऑयल के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहता है वो आपको फ्यूचर में पता चल जाएगा। तो ये 2.5 लीटर है और उतना ही इसमें अमाउंट है वो फिल होता है, तो बेसिकली इसको फिल कर देते हैं।
तो इंजन ऑयल फिल करने के बाद में नेक्स्ट जो स्टेप है वो हम जो एयर फिल्टर है उसको रिप्लेस करेंगे। अभी ये एक 10 मिलीमीटर का बोल्ट है, इसको रिमूव करना है। उसके बाद ये जो प्लेट है इसको हटाना है और फिर जो एयर फिल्टर असेंबली है उसको निकालना है। और वैसे इसकी कंडीशन उतनी बुरी भी नहीं है, बट फिर भी इसको रिप्लेस कर रहे हैं एक बार के लिए। तो अभी जो फिल्टर का जो सराउंडिंग का एरिया है उसको क्लीन करते हैं। और ये इसकी एयर फिल्टर असेंबली है, रिप्लेसमेंट यूनिट। इसके पार्ट नंबर और इसकी प्राइस वो आप देख सकते हैं। और इसकी डायरेक्शन मैटर नहीं करती है, इसको आप किसी भी तरीके से लगा सकते हैं। जो प्लेट है उसको भी अच्छे से क्लीन कर लें। उसके बाद जो फिल्टर है उसके अगेंस्ट जो प्लेट है उसको प्लेस करना है। और उसके बाद जो 10 मिलीमीटर का बोल्ट है उसको यहाँ पर एक नट है वो वेल्ड कर रखा है इस पैनल पर, उसके साथ अलाइन करना है। और उसके बाद जो बोल्ट है उसको टाइट करना है और इसको बस आपको हैंड टाइट ही करना है। उसके बाद ये जो कवर है इसको हम क्लोज कर देंगे एंड दैट्स इट। और बेसिकली सर्विस के अंदर अभी जो हमने प्रोसेस किया है उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें उनका खाली इंस्पेक्शन करना होता है। लेकिन बिकॉज इंस्पेक्शन किया था तो जो पीछे वाले ब्रेक्स हैं वो कम्प्लीटली अपनी जो लाइफ है उसको एक्सटेंड कर चुके हैं, तो उनको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो पीछे वाला व्हील है उसको रिमूव करते हैं। तो अभी जो ब्रेक शूज हैं उनको निकालते हैं और बस ये इतना ही सिंपल है। और अभी ये जो पोर्शन है इसको अच्छे से क्लीन कर लेते हैं और उसके बाद जो नए ब्रेक शूज हैं उनको इंस्टॉल करेंगे। और ये रहे नए ब्रेक शूज, इनके पार्ट नंबर और जो प्राइस है वो आप देख सकते हैं। बॉक्स के अंदर ब्रेक शूज मिलेंगे आपको एक पेयर, और एक पेयर जो स्प्रिंग्स लगती हैं इनके साथ वो मिलेंगी। तो अभी इनको इनकी जो माउंटिंग है वहाँ पर इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले जो इनके पिविट्स हैं ये वाला और ये वाला, इनको थोड़ा सा ग्रीस करना है, ज़्यादा ग्रीस अप्लाई नहीं करना है अदरवाइज वो ब्रेक डस्ट है उसको अट्रैक्ट करेगा, लेकिन थोड़ा अमाउंट तो लगाना ही पड़ेगा। और अभी जो ब्रेक शूज़ हैं उनको उनकी जो स्प्रिंग्स हैं उनके साथ कुछ इस तरीके से पोजीशन करना है। और फिर जो राउंड वाला सेक्शन है वो इस पिविट पर लगेगा और जो फ्लैट पोर्शन है वो इस पिविट पर लगेगा। तो इनको अलाइन करें और उसके बाद जो स्प्रिंग्स हैं उनको पुल करके इंस्टॉल कर दें वन बाय वन। और जब ब्रेक शूज़ हैं वो आगे वाले पिविट में इनकी जो ग्रूव्स हैं उनके अंदर इंस्टॉल हो जाएं और पीछे प्रॉपरली इंस्टॉल हो जाएं, तो उनके बाद इनको एक बार प्रेस करके देखें कि ये सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं। और उसके बाद जो जो चीज़ें हमने डिसमेंटल की हैं उनको एज इट इज़ फिर से असेंबल करना है। और साथ ही साथ एक 320 ग्रिट का सैंड पेपर लेकर के ये वाला जो पोर्शन है इसको भी क्लीन कर लेंगे। और इसका जो चैन स्प्रोकेट है उसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि कुछ टीथ्स हैं वो मिसिंग हैं, तो थोड़े दिन में इसका जो चैन स्प्रोकेट किट है उसको भी रिप्लेस करेंगे, तो फ्यूचर में वो वाली वीडियो भी आपको मिल जाएगी। तो अभी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वाली वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अभी कैमरे की जो बैटरी है वो ऑलमोस्ट डाई होने को आ गई है, तो कैमरे की बैटरी है वो चार्ज होती है। तब तक मैं ये जो चीज़ें हमने डिसअसेंबल की हैं उनको मैं फिर से असेंबल कर देता हूं और फिर जो सर्विसिंग की जो आगे की स्टेप्स हैं उनकी तरफ मूव ऑन करते हैं। ऑलराइट, तो अभी जो ब्रेक शूज थे वो रिप्लेस कर दिए और जो इसका ड्रम था उसको क्लीन कर दिया, और साथ ही साथ इसका जो अलाइनमेंट था इस साइड का स्विंग आर्म के साथ में रिम का वो दूसरी साइड से मैच करके वो भी एडजस्ट कर दिया है। और जो ब्रेक का जो ये वाला पिविट था इसको भी इसकी जो लाइन है उसके साथ अलाइन कर दिया है। अभी बारी आती है जो ड्राइव चैन है उसको क्लीन करने की। तो इसको जब वॉश किया था तब इसको क्लीन कर लिया था, अभी इसको और अच्छे से क्लीन करते। लेकिन बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि जो आरएच कवर है इसके अंदर वो हाफ नहीं पूरा ही रिमूव करना पड़ता है इसको क्लीन करने के लिए, और उसकी जो गैस्केट आती है वो आरी वालों के पास अवेलेबल थी नहीं, तो बेसिकली इसको हम ओपन कर नहीं सकते हैं। तो चैन है वो कुछ जिस कंडीशन में आपको दिख रही है उतनी ही क्लीन कर पाया मैं। और अभी जो चैन है उसको लुब्रिकेट करेंगे। तो बेसिकली अभी जो नेक्स्ट स्टेप होने वाली है वो इसका जो थ्रोटल का फ्री प्ले है और जो क्लच का फ्री प्ले है वो है, और साथ ही साथ में इनको लुब्रिकेट भी करना है। तो इन दोनों चीज़ों की मैंने रेस्पेक्टिव वीडियोस बना रखी हैं, तो किसी को इंटरेस्ट है डिटेल में जानने के लिए तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अभी के लिए इनको जस्ट एडजस्ट कर लेते हैं और फिर जो नेक्स्ट स्टेप उसकी तरफ मूव ऑन करते हैं।
और जब इतना सब आप कर लें तो उसके बाद इसके जितने भी कंट्रोल्स हैं, स्विचेस हैं, लाइट्स वगैरह हैं, उन सबको आपको चेक करना है। उसके बाद आपको बाइक को टेस्ट राइड करके देखना है कि कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं है। साथ ही साथ जो आगे और पीछे वाले टायर का जो एयर प्रेशर है वो चेक कर लें। रिम्स के अंदर जो स्पोक्स हैं उनमें से कोई स्पोक लूज तो नहीं है, और रिम की जो बैलेंसिंग है मेक श्योर वो भी परफेक्ट हो। वैसे उसको चेक करने का तरीका फिर कभी डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जब आप ये सब कर लें तो मेक श्योर जो पुराना वाला जो ऑयल फिल्टर है और जो इंजन ऑयल है उसको भी आप रिसाइकिल करें। आप उसको किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर कोई रिसाइकिल सेंटर आपके नियर बाई है तो आप वहाँ पर उसको जा करके रिसाइकिल कर सकते हैं। और लास्ट में जितने भी मूवेबल पार्ट्स हैं, जैसे कि पीछे वाले फुटरेस्ट हो गए, जो किक की जो लीवर है उसके जो पिवट पॉइंट्स हैं वो हो गए, और ब्रेक और क्लच लीवर हैं उनको तो हमने लुब्रिकेट कर ही दिया था, तो इन सब चीज़ों को लुब्रिकेट करना है। और ये सारी प्रोसेस करते टाइम अगर बाइक थोड़ी डर्टी हो जाती है तो आप उसको फिर से क्लीन कर लें, आपको वॉश करने की ज़रूरत नहीं है इसको प्रॉपरली। और ये सारी चीज़ें अगर आप स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं तो एक जो जनरल पीरियोडिक मेंटेनेंस सर्विस होती है बाइक की वो आप कंप्लीट कर चुके होंगे। और बस हेलमेट लगाइए और राइड को एंजॉय कीजिए। यही था इस वाली वीडियो के लिए, फिर मिलेंगे कभी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।